नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायती टाइम्स में। मैं वाशु त्यागी हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नई खबर के साथ। आपको बता दें कि हाल ही में योग गुरु रामदेव बाबा ने BSNL के साथ जुड़कर अपना एक सिम कार्ड लॉन्च किया था और अब मीडिया सेक्टर में हलचल मचाने के लिए एक बार फिर रामदेव बाबा की पतंजलि मैदान में उतर चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए रामदेव बाबा की पतंजलि ने किम्भो नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किम्भो ऐप आखिर है क्या। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के साथ मिलकर योग गुरु रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि ने सोशल मीडिया के सेक्टर में भी हलचली मचा दी है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को बाजार में चुनौती पेश करने के लिए पतंजलि ने बुधवार को नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम किम्भो बताया जा रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बाबा रामदेव ने बुधवार को अपनी कंपनी पतंजलि के बैनर तले नया मैसेजिंग ऐप किम्भो लॉन्च किया है। पतंजलि के प्रवक्ता तिजारा वाला ने दावा किया है कि यह उनका मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर देगा। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अब भारत बोलेगा। हमारा अपना स्वदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड किया जा सकता है। किम्भो एप्लीकेशन को मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के प्रतिद्वंदी के रूप में बताया जा रहा है। किम्भो की टैगलाइन है, अब भारत बोलेगा। बता दें कि इससे पहले 27 मई को बाबा रामदेव ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर स्वदेशी स्मृति सिम कार्ड लॉन्च किया था। अब देखना यह है कि बाबा रामदेव की ये मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को टक्कर दे पाएगी या नहीं। इससे जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहें पंचायती टाइम्स। तब तक के लिए नमस्कार।